आदरणीय भगवान, टॉपिक की चर्चा तो मैं करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बताते हुए मुझे बेहद संतुष्टि हो रही है कि मेरे आजीवन श्री चार्ट महालक्ष्मी अनुष्ठान के आज 36 सप्ताह संपन्न हो चले हैं। श्री चार्ट महालक्ष्मी जी अपने साक्षात एवं सजीव रूप में मेरे क्लाइंट्स का मार्गदर्शन करके मुनाफा बनवाती रहे, इसी प्रार्थना में मैं अंतिम सांस तक लगा रहूंगा। अब दोस्तों, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, जरा कल्पना कीजिए, भारत सबसे अधिक खर्चा करता है कच्चा तेल एवं गैस के इंपोर्ट पर। हम गरीब हैं अगर, तो उसका कारण यह है कि हमारी पूरी दौलत खर्च हो जाती है एनर्जी की खरीदारी में। ये बात तो आपको पता थी, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आप वह दूसरी चीज बताइए जिस पर भारत सबसे अधिक खर्चा करता है, जिस पर हम सबसे ज्यादा लुटते हैं, हर साल लुटते हैं, 70-80 सालों से लुटते आ रहे हैं। मान्यवर, आपको जानकर हैरानी होगी, वो कोई सामान नहीं है, सर्विस है। शिपिंग सर्विसेज पर हम सालाना $90 बिलियन, $90 बिलियन माल भाड़ा देते हैं। जो कच्चा तेल हमारे देश में आता है उन जहाजों का माल भाड़ा, और जो माल हम एक्सपोर्ट करते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हम अदा करते हैं। $90 बिलियन हर साल हम लौट रहे हैं। हुजूर, ये पैसा अगर हमारे देश में लगता तो लोगों को रोजगार मिलता, इंडस्ट्री खड़ी होती, हमारा देश आगे बढ़ता। अरे मान्यवर, अगर शिप बिल्डिंग का सेक्टर देखिए तो चीन 50% इंडस्ट्री पर कब्जा करता है ग्लोबल लेवल पर। चीन के मुकाबले हमारी हिस्सेदारी 1% भी नहीं है। जहाज हमारे पास ना के बराबर हैं। तो आप जरा स्वयं सोचिए, अगर हमें चीन से मुकाबला करना है, दुनिया की तीसरी दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनना है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम शिपिंग सेक्टर में कमजोर बने रहें? महाराज, ये जो जहाज होते हैं, ये समुद्र में तैरने वाले सिर्फ जहाज नहीं होते, बल्कि ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया के समुद्र में तैरते हुए हमारे जहाज हमारी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, हमारा कब्जा दर्शाते हैं, हमारी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए शिपिंग सेक्टर में भारत सरकार बहुत बुलिश है। समय समय पर इस सेक्टर में रिफॉर्म आते ही रहेंगे, नहीं आएंगे तो विकसित भारत के सपने पर लग जाएगा पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए, भारत सरकार शिप बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे सकती है। शिपिंग कंपनियों को, शिप बिल्डिंग कंपनियों को आसानी से कम ब्याज दर पर कर्जा मुहैया हो सके, उसके लिए भी भारत सरकार नियम बदल सकती है। अरे महाशय, ये नियम क्या भगवान ने बनाए हैं? राहुल गांधी के ही बाप दादाओं ने बनाए थे। उनका उद्देश्य था कि भारत लुटता रहे, माल भाड़ा पे करता रहे और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में चंदा और चांदनी समय पर पहुंचती रहे। तो राहुल गांधी के परिवार के द्वारा बनाए गए कानून जो भारत के गले में शिकंजा बनकर डले हुए हैं, उनको तोड़ने का समय आ गया है। और इसी से उभरता है निवेश का बहुत सुंदर अवसर। शिपिंग कंपनियों पर, शिप बिल्डिंग कंपनियों पर मैं बहुत बुलिश हूँ, रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को देता रहता हूँ। यदि आपको भी इस उभरते नए सेक्टर से मुनाफा कमाना है, मेरी रिकमेंडेशन चाहिए, तो देरी किस बात की। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लाइंट बन जाइएगा श्रीमान।